गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हिस्ट्री की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में। नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर पिछले सालों में आए हैं एग्ज़ाम में, और आपको इसको बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। और आज हम हिस्ट्री की कक्षा में नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में, उसके उत्थान के कारणों के विषय में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसका जो काल हम देखते हैं, उसका जीवन 1769 से लेकर 1821 ईस्वी इतिहास में हमको मिलता है, 1769 से 1821 ईस्वी। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, वो विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था, और उसकी तुलना सिकंदर महान और जूलियस सीजर से की जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म था वो 1769 में हुआ, भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप जिसका नाम था कोर्सिका, और उसके अजासियो नामक स्थान में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, और वो भी एक शासक थे। और नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में यदि हम देखें तो वो बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, और बहुत ही अधिक योग्य व्यक्ति वो था, बहुत महत्वाकांक्षी था, और इतिहासकारों के अनुसार रण विद्या में वो मास्टर था, मतलब रण विद्या में वो पंडित था। वो एक कुशल सेनापति था। हम देखते हैं कि बचपन से ही उसके पिता ने उसे सैनिक स्कूल फ्रांस में भेज दिया था पढ़ने के लिए, और उसने ब्रीने और पेरिस में, दो विद्यालयों में जाकर सैनिक स्कूल में अपना अध्ययन किया। लगभग 16 वर्ष की आयु में उसने सैनिक विद्यालय छोड़ दिया, और सैनिक विद्यालय छोड़ने के बाद उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया, और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वो तोपखाने के द्वितीय श्रेणी में लेफ्टिनेंट बन गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने बहुत ही कम आयु में अपनी जो योग्यता थी उसका परिचय दिया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ से उसका जो राजनीतिक आगमन है, वो प्रारंभ यात्रा जो उसकी है वो प्रारंभ होती है। हम देखते हैं कि नेपोलियन के उत्थान के क्या कारण थे। नेपोलियन के विषय में हमने अभी देखा, उसके केवल दो ही हिस्से थे उसके जीवन के, जीत और हार। उसने हमेशा ये कहा था कि मैं क्रांति हूँ। क्रांति उसको बहुत प्यारी थी, और कहीं कहीं उसने ये भी कहा कि मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया। अपनी फ्रांस की जनता से उसे बहुत प्रेम था, और फ्रांस की जनता को उससे बहुत प्रेम था, और लोग उसको आज़ादी देने वाला या स्वतंत्रता देने वाला और खुशियाँ देने वाला मसीहा के रूप में जानते थे और मानते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन को जो जनता थी वो आज़ादी या स्वतंत्रता देने वाली और खुशियाँ देने वाला एक व्यक्ति के रूप में जानती थी। वो एक बहुत ही कुशल योद्धा था, और आइए हम देखते हैं कि उसके उत्थान के क्या कारण हैं। नेपोलियन के उत्थान के कारण में सबसे पहला जो कारण हम देखते हैं वो है सैनिक योग्यता। नेपोलियन में अपार सैनिक योग्यता थी, कूट कूट कर उसमें सैनिक योग्यता भरी थी, और हम देखते हैं कि उसका कथन था कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट भूमि पर पड़ा हुआ पाया, और अपनी तलवार से मैंने उसे उठा लिया। उसमें आत्मविश्वास और सैनिक योग्यता कूट कूट कर भरी थी। इसी कारण से उसने अपनी इटली की प्रथम विजय हासिल की, और इटली की प्रथम विजय के साथ ही
प्रथम विजय के साथ ही हम देखते हैं कि इटली फ्रांस की जो जनता थी वो उसको बहुत ही पसंद करने लगी और उसका चारों तरफ फ्रांस की जनता में गुणगान होने लगा और फ्रांस की जो जनता थी वो उसे अपना हीरो समझने लगी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी सैनिक योग्यता ने वो काम कर दिखाया उसके उत्थान का पहला कारण था। दूसरा कारण जो हम देखते हैं वो है फ्रांस के गौरव में वृद्धि। फ्रांस के गौरव में वृद्धि, फ्रांस जो था वो एक ऐसा देश था जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट जब आया उसने अपनी प्रथम विजय हासिल की और उसकी विजय के कारण से फ्रांस जो था वो अंतर्राष्ट्रीय गौरव उसने हासिल किया। सभी जगह फ्रांस की वाहवाही होने लगी और जो विदेशी राज्य थे उन पर उसका सिक्का जमने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन की जो विजय थी उसने फ्रांस का सिक्का, फ्रांस का जो स्थापत्य है वो जमा दिया लोगों के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने गौरव प्रदान किया। दूसरा तीसरा जो है फ्रांस की शोचनीय दशा। फ्रांस की राज्य क्रांति के माध्यम से बहुत ही शोचनीय दशा थी जनता की और जनता जो थी वो पूरी परेशान थी। उस समय व्यवस्थापिका का कार्य भी सही नहीं था, भ्रष्ट और नाकाम थी व्यवस्थापिका। इस प्रकार से हम देखते थे कि चहुं ओर फ्रांस में जो अराजकता थी और अशांति का वातावरण था और ऐसे समय जो एक व्यक्ति था वो नेपोलियन बोनापार्ट था जो कि इतना सक्षम था कि वो ही वहाँ पर सुशासन सुव्यवस्थित कर सकता था। तो उसको उसके उत्थान का कारण हम देखते हैं कि उस समय फ्रांस की शोचनीय दशा के माध्यम से भी उसको ये अवसर मिला कि वो इसका एक कारण बना उत्थान का। चौथा हम देखते हैं कुशल कूटनीतिज्ञ। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ था और इटली की प्रथम विजय में उसने ये साबित कर दिया था। उसने वेनिस का विभाजन किया और दूरदर्शिता का परिचय दिया और चार्ल्स मैग्नी के समकक्ष उसको माना जाता है कूटनीतिक के मामले में। तो इस प्रकार से ये चौथा उत्थान का कारण था कुशल कूटनीतिक, कि वो बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ था। अगला कारण हम देखते हैं भाग्यवादिता। इंसान के पास यदि भाग्य उसका अच्छा है तो वो बहुत दूर तक जाता है और यही चीज़ हमको नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में देखने के लिए मिलती है कि उसका भाग्य बहुत प्रबल था। कई कठिनाइयां विपत्तियां उसके जीवन में आईं और 1794 में उसको जब अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया वहां से भी वो छूटकर भागकर कैद में से बाहर निकल गया, सुरक्षित फ्रांस पहुंच गया और कई मिस्र के अभियान में उस पर विपत्तियाँ आईं लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल कर सुरक्षित फ्रांस पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका भाग्य बहुत प्रबल था। अगला हम देखते हैं अपूर्व अवसर। उसे दो अपूर्व अवसर मिले। पहला तो जो था 1793 में तूलो बंदरगाह पर अधिकार उसने किया। उसको दूसरा अवसर जो मिला वो था राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा का काम और उसने ये दो जो कार्य किए उससे उसकी जनता में हृदय में नाम लिख गया, सबके हृदयों में उसका नाम लिख गया और उसकी जनता उसको इतना पसंद करने लगी कि सारी जगह उसका गुणगान होने लगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसको ये दो अवसर जो मिले थे वो उसके मेन या मुख्य कारण थे उत्थान के। अगला कारण जो है उत्थान का वो है जोसेफाइन से विवाह। जोसेफाइन नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी थी और जैसे ही उसका विवाह, जोसेफाइन का विवाह नेपोलियन बोनापार्ट से हुआ तो उसकी पत्नी के कारण से उसको फ्रांसीसी सेना का जो अध्यक्ष जो है वो बन गया। उसके इतना व्यापक प्रभाव था उसकी पत्नी का कि वो फ्रांसीसी सेनाओं का अध्यक्ष बन गया। अगला हम देखते हैं, अंतिम पॉइंट है ये, महत्वाकांक्षा। यदि व्यक्ति में महत्वाकांक्षा हो तो वो बहुत दूर तक चला जाता है
और यही बात हम नेपोलियन बोनापार्ट में देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बचपन से ही वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, विवेकी और महत्वाकांक्षी था, और इस प्रकार से महत्वाकांक्षा के माध्यम से वो विजय हासिल करता चला गया और सफलता के शिखर पर पहुंच गया। उसने लगभग 40 युद्ध जीते और उसका ये कथन था कि मेरे जीवन में जो गौरव है वो मेरे 40 युद्धों की विजय से नहीं है, वरन मेरी विधि संहिता है जो ना कभी मिट सकेगी वरन चिरस्थाई रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अधिक जन हितकारी कार्य किए, आर्थिक में सुधार लाया, और उसने हम देखते हैं कि फ्रांस जो था, फ्रांस को उसने एक अभूतपूर्व कार्य फ्रांस में उसने किया कि उसने बैंक की स्थापना की जो फ्रांस बैंक ऑफ फ्रांस के नाम से जाना जाता है। और लगभग 3 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि उस बैंक को नोट जारी करने का भी अधिकार मिल गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीवन में बहुत अधिक सफलताएं अर्जित की, और ये सारे उसके उत्थान के कारण, जिसके माध्यम से वो बहुत सफल होता गया और इतिहास में उसका अभूतपूर्व नाम है।